हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहा इस्पात उद्योग का अध्ययन करेंगे। वर्तमान युग को हम औद्योगिक युग भी कह सकते हैं और उद्योगों का विकास लोहा इस्पात के बिना हो ही नहीं सकता। जिस देश में जितना अधिक उद्योगों का विकास हुआ है, वह देश उतना अधिक संपन्न और विकसित कहलाता है। हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान विश्व में सबसे अधिक संपन्न और विकसित राष्ट्र है, इसलिए इसका अध्ययन किया जाना आवश्यक हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है, फिर भी यहाँ विश्व का 25% इस्पात का उत्पादन होता है। यद्यपि 1905 से 1955 तक के 50 वर्षों में इसका उत्पादन विश्व के कुल उत्पादन का 50% से भी अधिक था, जो 1955 के बाद घटकर 33% हो गया और वर्तमान समय में इसका उत्पादन मात्र 25% रह गया है। ऐसा क्यों? क्या उसका उत्पादन घट गया? नहीं, यद्यपि उत्पादन घटने के बजाय बढ़ा ही है, परंतु विश्व के दूसरे देशों का भी उत्पादन बढ़ने के कारण इसका महत्व घट गया है। USA में पैदा होने वाले कोयले का 15% भाग लोहा गलाने के काम में आता है। केवल अपलेशियन और पेंसिल्वेनिया का कोयला, जो बिटुमिनस कोयला है, ही इसके लिए सबसे उपयुक्त है, जिसके कारण USA के लोहा इस्पात उद्योग का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। कोयला के अलावा इस उद्योग में काफ़ी मात्रा में गैस का भी प्रयोग किया जाता है। देश के कुल गैस उत्पादन का 50% भाग इन्हीं भट्टियों में लग जाता है। झील के दक्षिण और पूर्वी पूरब के मैदानों में पेट्रोलियम और गैस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। USA में कच्चा लोहा उत्पन्न करने में सबसे मुख्य क्षेत्र मेसाबी रेंज है, जहां 600 मीटर लंबी एवं 450 मीटर चौड़ी तथा 150 मीटर मोटी तहों में यह पाया जाता है। इसके अलावा मार्क्वेटे, गोजोबिक एवं मेनोमिनी में भी कच्चे लोहे के खदान हैं। ये सभी खदान झीलों के आसपास ही हैं, फलतः यातायात अत्यंत सुगम है। मेसाबी रेंज एवं मार्क्वेटे रेंज में की जाने वाली खुदाई को हम नीचे दिए गए रेखा चित्र से समझ सकते हैं। रेखा चित्र को देखने से पता चल रहा है कि मेसाबी क्षेत्र में केवल ऊपरी परत की मिट्टी और पत्थरों को हटाने के बाद सीधे लौह अयस्क तक पहुंचा जा रहा है, जबकि मार्क्वेटे क्षेत्र में सुरंगों के जरिए खिड़की बनाकर लौह अयस्क का उत्पादन किया जा रहा है। USA में लोहा इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण 3 स्थानों पर विशेष रूप से पाया जाता है। पहला, लौह अयस्क खदानों के आसपास,
दूसरा, ईंधन स्रोत के उत्पादन क्षेत्र के आसपास, एवं तीसरा, पूर्वी समुद्र तटीय भाग के बाजारों के आसपास जहाँ इसका खपत होता है। किंतु वर्तमान समय में लोहा इस्पात उद्योग का निम्नलिखित 6 प्रादेशिक वितरण यहाँ पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 6 कौन कौन से प्रादेशिक विभाग हैं। पहला विभाग पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र। एक सदी से पिट्सबर्ग इस्पात का पर्याय माना जाता रहा है। इसका विस्तार ओहियो नदी की घाटी में है, जिसके अंतर्गत 7 उपक्षेत्र शामिल हैं। इसमें से देखते हैं 7 कौन कौन से हैं। पहला पिट्सबर्ग जिला, दूसरा यंगस्टाउन जिला, तीसरा जोन्सटाउन जिला, चौथा व्हीलिंग जिला, पांचवा अस्टुवेन जिला, छठा निचली ओहियो घाटी के केंद्र तथा सातवा पश्चिमी ओहियो राज्य की मियामी घाटी। इस क्षेत्र का विस्तार पूर्वी तथा बृहत झील प्रदेशीय बाजारों के बीच है, जहाँ पर माल लाने और भेजने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा है तथा दक्षिण पश्चिम के बाजारों के लिए नदी मार्गों की सुविधा है। यहाँ के कारखानों के लिए लौह अयस्क झील क्षेत्र तथा कनाडा के निकटवर्ती खदानों से उपलब्ध है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, शिकागो गैरी प्रदेश। यह क्षेत्र मिशिगन झील के तटवर्ती क्षेत्र के दक्षिणी एवं पश्चिमी भागों में विस्तृत है। यहाँ स्थानीय रूप में कच्चा लोहा, अप्लेशियन क्षेत्र से कोयला तथा मिशिगन क्षेत्र से चूना पत्थर प्राप्त हो जाता है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि बृहत बाजार की है, जहाँ डेट्रॉयट का मोटर उद्योग, शिकागो का रेल उद्योग एवं कृषि औजार निर्माण में इसका इस्पात खपता है, ठीक है। अब तीसरा, इरी झील तटीय प्रदेश। इरी झील तट पर पूर्व में बफेलो, जो न्यूयॉर्क राज्य में है, से लेकर पश्चिम में क्लीवलैंड एवं टोलेडो, ये दोनों ओहियो राज्य में है, तथा डेट्रॉयट जो मिशिगन राज्य में है, तक लोहा इस्पात के केंद्र फैले हुए हैं। उपरोक्त केंद्र परिवहन मार्गों के ब्रेक ऑफ बुल पॉइंट पर स्थित है। क्या है? ब्रेक ऑफ बुल पॉइंट पर स्थित है। ब्रेक ऑफ बुल पॉइंट का अर्थ होता है वैसा स्थान जहां पर वस्तुओं की अदला बदली होती हो, ठीक। यहां पर सुपीरियर झील प्रदेश का कच्चा लोहा अप्लेशियन क्षेत्र के लोहा कारखानों के लिए ट्रक आते हैं, कच्चा लोहा लेकर अप्लेशियन क्षेत्र से, सॉरी, सुपीरियर झील प्रदेश का कच्चा लोहा अप्लेशियन क्षेत्र में जाता है और अप्लेशियन क्षेत्र का कोयला लेकर यहाँ आता है। वहाँ से ये ट्रक खाली आने के बजाय, कहाँ से, अप्लेशियन क्षेत्र से खाली आने के बजाय वहाँ से कोयला लेकर आते हैं, फलतः परिवहन खर्च कम हो जाता है। इस क्षेत्र में इंजीनियरिंग के कारखानों की बहुलता है, अतः इस्पात की मांग अधिक रहती है। चौथा पॉइंट, अलाबामा तथा दक्षिण पश्चिम लौह इस्पात क्षेत्र। उत्तरी अलाबामा राज्य में स्थित बर्मिंघम इस्पात क्षेत्र की तरह विभिन्न आवश्यक पदार्थों को जुटाने की क्षमता या सुविधा अमेरिका में और कहीं नहीं है।
इस क्षेत्र में लौह अयस्क, कोयला तथा चूना पत्थर आदि स्थानीय रूप से मिल जाते हैं, लोकल मिल जाता है। परिवहन के सभी साधनों का यहाँ समुचित विकास हुआ है। कुशल मजदूर, पूंजी तथा बाजार भी स्थानीय रूप में ही उपलब्ध हैं, अतः यहाँ लोहा इस्पात उद्योग का बहुत विकास हुआ है। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। मध्य अटलांटिक क्षेत्र, इस इस्पात क्षेत्र का विस्तार मैसाचुसेट्स से मैरीलैंड तक है। अमेरिका में लोहा इस्पात का कारखाना सबसे पहले इसी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। इस क्षेत्र का प्रधान केंद्र स्पेरो पॉइंट है। यहाँ स्थानीय स्तर पर कोयला, चूना पत्थर, बाजार एवं परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, अब छठा पॉइंट, पश्चिमी लोहा इस्पात क्षेत्र। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस क्षेत्र में कई कारखाने स्थापित हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले केवल पुएब्लो, जो कोलोरेडो राज्य में है, सिएटल वाशिंगटन में, दक्षिणी सान फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स तथा आयरनटन में छोटे छोटे कारखाने थे। किंतु अब प्रादेशिक मांग में वृद्धि होने के कारण जेनेवा तथा फोंटाना में भी सरकार ने बड़े बड़े कारखानों का स्थापना किया है। इस क्षेत्र के इस्पात कारखानों को कोयला, व्योमिंग एवं कोलोरेडो राज्यों से तथा लौह अयस्क उटाह राज्य से प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस क्षेत्र को बृहत बाजार की भी सुविधा प्राप्त है। हमने आरंभ में ही कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। यह अपने कुल उत्पादन का मात्र 5% ही निर्यात करता है और यही कारण इसे विश्व का सबसे अधिक विकसित देश बनाती है। ठीक, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में लोहा इस्पात उद्योग एक मुख्य कारक होता है।